सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, जहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज शुरुआती ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। बांग्लादेश की पूरी टीम 49.1 ओवर में 173 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बौछार की। शिखर धवन 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा की नाबाद 83 रनों की पारी देखने को मिली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम को सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत ही हैरानी वाली बात हो गयी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ही लास्ट में छक्के की मदद से भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हैं, और वही अंदाज धोनी का बांग्लादेश के खिलाफ भी देखने को मिल सकता था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार शॉट लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद छक्का ना होकर सीधा मिथुन के हाथों में जा समाई और वहां महेंद्र सिंह धोनी को आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके बाद दर्शक काफी हैरान और निराश दिखाई दिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।